नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल रेड इन्फो वेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ अगरतला देवगढ़ वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, यह ट्रेन अगरतला से देवगढ़ जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 15626। यह ट्रेन 38 घंटे 35 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो ये ट्रेन कवर करती है वो है 1472 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 38 किलोमीटर पर आवर और इसके तकरीबन 22 स्टेशन है। ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलती है, शनिवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें एसी थर्ड टायर, स्लीपर क्लास, अनरिजर्व, जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। एसी थर्ड टायर का किराया है 1590 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 595 रुपये, अनरिजर्व जनरल डिब्बे का किराया है 327 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर कन्फर्म कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और स्टेशनों के बारे में। यह ट्रेन अगरतला से रात के 10:25 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है अंबासा, जहां पर यह रात के 11:35 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है धर्मनगर, जहां पर यह रात के 1 बजे पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है न्यू करीमगंज जंक्शन, जहां पर यह रात के 2:50 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों बदरपुर जंक्शन, जहां पर यह रात के 3:30 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है न्यू हाफलोंग, जहां पर यह सुबह के 5:50 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है माइबांग, जहां पर यह सुबह के 7:10 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है लामडिंग जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 10:10 पर पहुंचती है और इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों चापरमुख जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 11:52 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है गुवाहाटी, जहां पर यह दोपहर के 2:45 पर पहुंचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है कामाख्या जंक्शन, जहां पर यह दोपहर के 3:15 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है रंगिया जंक्शन, जहां पर यह शाम के 4 बजे पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों न्यू बोंगाईगांव जंक्शन, जहां पर यह शाम के 6:55 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है न्यू कूच बिहार, जहां पर यह शाम के रात के 9:15 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जहां पर यह रात के 11:40 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों कटिहार जंक्शन, जहां पर यह रात के 3:30 पर पहुंचती है और यहां पर इसका 20 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों नवगछिया, जहां पर यह सुबह के 4:32 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है खगड़िया जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 5:33 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है मुंगेर, जहां पर यह सुबह के 6:25 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है भागलपुर जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 8 बजे पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बांका जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 10:38 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए
रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों देवघर जंक्शन, जहां पर ये दोपहर के 1 बजे पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।